नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं ऑस्मोसिस में, जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड्स में ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे हम ऑस्मोसिस को बेटर समझ सकते हैं। इसके लिए हम एक फनल लेंगे, वही फनल जिससे हम वाटर को डालते हैं या मिट्टी तेल को डालते हैं, वही फनल को हम इन्वर्टेड पोजिशन में, हमने यहां पोजिशन प्लेस कर दिया और इसको एक स्टैंड से फिक्स कर दिया और यहां एक बीकर है, बीकर के अंदर इसे डिप कर दिया। लेकिन उस डिप करने से पहले इस फनल को हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बांध दिया, एकदम टाइटली बांध दिया। और बांधने के बाद इस फनल के अंदर हमने एक सॉल्यूशन डाल दिया। सपोज बेटर आप समझते हैं जैसे रसगुल्ले का पानी यानी चाशनी, चाशनी को हमने इसके अंदर डाल दिया। वो जो रसगुल्ले का पानी है उसमें शुगर भी है प्लस वाटर भी है, तो ये एकदम गाढ़ा शुगर सॉल्यूशन होगा। और इसको जो फनल से बांध दिए तब ये बाहर नहीं जाएगा, और इसको फिर एक वेसल में ले लेंगे, उस वेसल में पानी होगा प्योर वाटर। अब इस सेम एपरेटस को, अरेंजमेंट को हम इस तरह से 2 घंटे या 3 घंटे हम छोड़ दें तो क्या चेंज पाएंगे? तो हम इसमें देखेंगे कि ये जो लेवल एक्स है ये लेवल एक्स नहीं रहेगा, ये लेवल सडनली थोड़ा सा राइज कर जाएगा और ये वाटर का लेवल यहां तक पहुंच जाएगा। तो ये जो लेवल इंक्रीज किया फ्रॉम एक्स टू वाई, ये क्यों करेगा? चलिए इसे समझते हैं। तो ये होगा क्या, जैसे हमने अभी बताया ऑस्मोसिस का मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। तो सेम हमारा जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट हमारा वाटर हो जाएगा और सॉल्यूट हमारा शुगर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो जो मूवमेंट होगा वो होगा, वाटर जो है सॉल्वेंट है, बाहर से ये अंदर मूव करेगा क्योंकि बाहर वाला जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूटेड है और अंदर में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। वाटर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अंदर में कम है जबकि बाहर में ज्यादा है, तो मूवमेंट जो भी होगा वो बाहर से अंदर करेगा और ये इंक्रीज करते करते हमारा लेवल एक्स से लेवल वाई में इंक्रीज कर जाएगा और इसे कहेंगे इंक्रीज। और इसके फिर बाद में प्रोसेस पढ़ेंगे एंड ऑस्मोसिस एक्स ऑस्मोसिस। तो अभी पहले इसको और आगे समझते हैं, एक्स से ये वाई करेगा। अगर इस सिस्टम को हमने देख लिया, क्या अगर हम ऐसा कहें कि हमने इसकी अगर फनल की पाइपलाइन और बड़ी कर दी, बहुत देर लंबी कर दी, तो क्या ये इस तरह का इंक्रीज करते जाएगा जब तक दोनों का सॉल्यूशन बराबर ना हो जाए? तो इसके लिए एक पॉइंट है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को ऐसे समझते हैं, सपोज वाटर के मॉलिक्यूल यानी कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ज्यादा है बाहर में, आउटसाइड में ज्यादा है और इनसाइड में कम है, तो ये बाहर से अंदर मूव तो करेगा लेकिन एक सर्टेन टाइम पीरियड होगा या सर्टेन नंबर होगा जिसके बाद ये मूव नहीं करेगा, इसी को कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये जो इसी के लिए क्वेश्चन आएगा, हाउ लॉन्ग डज ऑस्मोसिस कंटिन्यूज, भले इसमें दोनों की कंसंट्रेशन एज ए प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों की कंसंट्रेशन तब तक आने चाहिए, तब तक मूवमेंट होना चाहिए जब तक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल दोनों साइड बराबर ना हो जाए, लेकिन इस जगह ऐसा नहीं होगा। कभी कभी ये प्रेशर पे भी डिपेंड करता है, अगर ये फनल लंबा है और बाहर में वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है लेकिन फिर भी जब तक अगर दोनों इक्वल नहीं हो गया तब तक ऐसा काम होगा, ऐसा मूवमेंट होगा, ये जोरी नहीं है, ये डिपेंड करेगा ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर। तो ये जो इसके लिए जो क्वेश्चन आ रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो हम ये कहेंगे जो वाटर के जो कॉलम के अंदर है उसे हम कहेंगे कॉलम प्रेशर। तो जितना ज्यादा कॉलम प्रेशर बढ़ेगा ऑस्मोसिस का जो लेवल है वो उतना डिक्रीज करेगा, और ये डिक्रीज जो करेगा ये ऑस्मोटिक प्रेशर को
डिटरमाइन करेगा। तो अगर हम एक लाइन में ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करेंगे तो इसका होगा द मिनिमम अमाउंट या द मिनिमम प्रेशर दैट इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई और टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये हमारा हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट, अगर कहीं कहीं क्वेश्चन जस्ट अपोजिट कर देता है, कभी कभी इस फनल के अंदर वाटर दे देगा और आउटसाइड एटमॉस्फेयर में सुगर सॉल्यूशन डाल देगा, उस समय इसका कंसंट्रेशन इसके लिए आंसर ये नहीं होगा। उस समय ये लेवल, सपोज इस समय हमारा ये हो गया सॉल्वेंट, ये सेकंड कंडीशन है, बाहर में अंदर इसके फनल के अंदर सॉल्वेंट है और बाहर सॉल्यूट यानी इसमें सुगर सॉल्यूशन है। इस समय ये राइज नहीं करेगा क्योंकि मूवमेंट जब भी होगा वाटर सुगर की तरफ जाएगा। इस कंडीशन में ये लेवल बाहर चले आएगा और ये लेवल एक्स से जेड लेवल हो जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन किस तरह से आता है, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्स ऑस्मोसिस, दूसरा है इंडो ऑस्मोसिस। हम इसको इंडो ऑस्मोसिस नहीं कह रहे हैं, अगर इंडो होगा तो यहां डबल ओ हो जाएगा, इंडो ऑस्मोसिस। यहां है एंड ऑस्मोसिस एंड एक्स ऑस्मोसिस। एक्स, एक्स मीन्स रिमूवल, जैसे हम ये समझें कि एक्स पीएम, एक्स सीएम, एक्स हस्बैंड, तो मीन्स एक्स यानी पहले था यानी अंदर से वो चला गया, तो इसे हम कहेंगे एक्स ऑस्मोसिस। मीन्स जैसे इस कंडीशन में हमने मूवमेंट देखा बाहर से अंदर, इंडो ऑस्मोसिस, तो ये और यहां से वाटर बाहर गया, तो जो अंदर से जब बाहर जाएगा तो इस मूवमेंट को कहेंगे एक्स ऑस्मोसिस और जब बाहर से अंदर आएगा इसे कहेंगे एंड ऑस्मोसिस। एक्स ऑस्मोसिस तो इसको डिफाइन क्या करेंगे, आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन व्हेन द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर आर कंडीशन या सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड। मींस सारा का सारा डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन या कंसंट्रेटेड मॉलिक्यूल। तो अगर ऐसा होगा तो जैसा इसमें हम देख रहे हैं इस एक्स ऑस्मोसिस में जब भी होगा श्रिंकेज ऑफ द सेल होगा, लेकिन एंड ऑस्मोसिस में जिसमें इसमें एक्स से वाई इंक्रीज किया था वो एंड ऑस्मोसिस मतलब एंट्री ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट इनसाइड द सुगर सॉल्यूशन। यहां पे हो गया इनवर्ड डिफ्यूजन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन व्हेन सराउंडिंग सॉल्यूशन इज लेस कंसंट्रेटेड। इस कंडीशन में स्वेलिंग ऑफ सेल हम ऑब्जर्व करेंगे। दैट्स ऑल।